नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। पिछले एपिसोड में हम मिले दिल्ली की मास्टर जसविंदर कौर जी से, जो कई वर्ष पत्री जी के साथ निरंतर यात्राओं पर जाती रही हैं, जिनके बहुत सारे सुखद अनुभव हैं। आइए इस श्रृंखला को आगे ले जाते हैं। जसविंदर मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मुझे शेयर करने का मौका दिया। तो जसविंदर मैम, पिछले एपिसोड में आपने हमें बताया कि आप कितनी सारी स्टेट्स में गई सर के साथ। कई आपके स्टेट्स में आप गई हैं, जैसे वहाँ पे आपके सर के साथ अलग अलग कैसे अनुभव हुए? कर्नूल से स्टार्ट करते हैं, आपके कर्नूल में सर के साथ क्या अनुभव थे? मैं एक बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गई थी बेंगलुरु, तो पत्री जी ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो। और कर्नूल का जो सबसे पहला पिरामिड बनवाया पत्री जी ने, बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र, वो देखो। तो हम पत्री जी के साथ जा रहे थे और रास्ते में हमारी गाड़ी में कुछ खराबी हो रही थी, तो पत्री जी ने हमें अपनी गाड़ी में बिठा लिया। दिल्ली से और भी 4-5 मास्टर थे, तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो हमें होता ना कि कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए, कुछ और मिल जाए। तो मैंने पत्री जी को कहा कि सर कोई कॉन्सेप्ट बताओ, तो सर ने बोला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 6 दिन से बुद्ध पूर्णिमा में आपने इतने कॉन्सेप्ट सुने हैं, अभी भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए? मैंने कहा सर हाँ, बहुत भूख लगती है हमें। सर ने कहा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो थोड़ी ही देर में, अभी कुछ पल ही बीते होंगे, तो मेरी नज़र गई सर के डैशबोर्ड, गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर, तो मैं देख के दंग रह गई। मैंने कहा हैं, ये सर ने कैसे रखा है बुद्धा? तो मैंने सर को बोला सर आपने तो कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मुझे मिल गया। कह रहे क्या मिला? मैंने कहा सर सारी दुनिया ऐसे रखती है, मतलब जो मूर्ति जो भी रखी जाती है उसका जो फेस होता है वो रोड की तरफ होता है, और आपके जो रखा है आपने अंदर की तरफ रखा है उसका फेस, इसका क्या कारण है? क्योंकि ऐसा तो किसी की गाड़ी में होता ही नहीं है। तो हंसने लग गए, तो कहते अरे बाबा मुझे क्या पता हो रास्ता, उसको मालूम है रास्ता, वो रास्ता देख के बताएगा। मैंने कहा हम तो बहुत बेवकूफ़ हैं, फिर हम कहते हैं कि तुम्हें रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं, हमें सब मालूम है, तुम हमारी तरफ देखो हम रास्ता देख लेंगे। तो कह रहे ऐसी बात है। तो इतनी हैरानी हुई कि हमारी तो सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है, एक मास्टर की सोच क्या होती है। तो कर्नूल जब पिरामिड में गए और ध्यान किया वहाँ पिरामिड में जाके, तो वो अद्भुत ही अनुभव था, क्योंकि उससे हम मदर ऑफ ऑल पिरामिड्स कहते हैं। और वहाँ पर रास्ते में सर कई जगह रुके, क्योंकि जिस रूट से सर ने जाना था उस रूट में जो जो पिरामिड आते गए बेंगलुरु से कर्नूल में, सर ने हमें सब दिखाए। और इतने मास्टर्स समर्पित भाव से कैसे कैसे एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिले, और कितना सर के लिए सबका समर्पण और प्रेम भाव और सेवा भाव है। और ऐसा ही नहीं कि वो सर को ही देख रहे हैं उस भाव से, हम सबको भी उसी तरह देख रहे हैं। तो वो बहुत सीखा मैंने कि ऐसा नहीं है कि आप मास्टर के आसपास ही घूमते रहो, कि आपको मास्टर को देखना है, मास्टर से प्रेम करना है। मास्टर ये चाहता है कि जो मेरे साथ हैं आप उनमें भी उसका रूप देखो, उसमें आप भेदभाव मत करो कि मास्टर को तो ज़्यादा देना है, ज़्यादा पूछना है, उसके आसपास रहना है, और बाकी जो है ठीक है वो साथ में आए हैं। नहीं, तो हमेशा सर के साथ जो भी ड्राइवर रहते हैं, चलते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, या जो लेडीज़ होती हैं, जो भी लोग होते हैं, तो सबको पहले खिला के सर तब खाते हैं, तब लेते हैं। तो सर ने इस तरह का साउथ के मास्टर्स को ट्रेनिंग दिया है, तो मुझे लगता था कि हम नॉर्थ के जो मास्टर्स हैं हमें तो भी बहुत कुछ सीखना है। हम तो ड्राइवर को ड्राइवर ही समझते हैं, कि उसको अलग बर्तन में अलग दे देते हैं कि बैठ के वहाँ पर खा लो दूर हटकर, लेकिन सर तो कहते हैं ये तो सारथी है, इसी ने तो गाड़ी चलानी है, इसको रेस्ट भी चाहिए, इसको टाइम से खाना भी चाहिए। तो हर ट्रिप में देखा कि सबसे पहले सर ड्राइवर जो भी होते हैं, 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां रहती हैं, उनको बिठा के खाना खिला के फिर कहते हैं जाओ आप रेस्ट करो। तो वो जो हमारे अंदर एक भेदभाव रहता है बड़े छोटे का, ऊंच नीच का, बड़ा मास्टर छोटा मास्टर, ये बहुत सालों से है, ये तो अभी जुड़ा है, वो कभी भी भेदभाव देखा नहीं सर के उसमें। और वही सर ने सबको सिखाया और वही हमें जीवन में उतारना है। तो ये बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। एक मास्टर की दृष्टि सबके प्रति समान दृष्टि होती है, तो पत्री सर ने हमें इसका जीवंत उदाहरण दिया कि कैसे आपकी
नज़र का फेर है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, सभी के अंदर तो वो परमात्मा व्याप्त है जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, और जो हमारे आसपास है उनका हम तिरस्कार करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल से सीखते हैं कि एक समान भाव, वो ईश्वर हर किसी में विद्यमान है। तो मैम, ये तो रहा आपका करनूल का अनुभव। पंजाब में भी आपके कई अनुभव रहे, आप जालंधर भी गए, लुधियाना भी गए, उन अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। पत्री जी का सिखाने का ढंग बहुत अनूठा है। वो प्रवचन नहीं देते, आपको टोकते नहीं बात बात पे, वो अपने व्यवहार से आपको सिखाते हैं, और वो जो व्यवहार से सिखाते हैं ना, वो आप कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। तो एक बार मैं पत्री जी के साथ लुधियाना जा रही थी, और गाड़ी में 3-4 मास्टर और भी थे, और लुधियाना पिरामिड का इनॉग्रेशन होना था। साउथ के एक मास्टर पत्री जी के साथ बात कर रहे थे 18 प्रिंसिपल को लेकर। तो सर ने पहले 4 प्रिंसिपल उनको बहुत डिटेल में समझाए कि ये मैंने कैसे बनाए और इनका महत्व क्या है। तो मैं तो देखती ही रह गई कि कभी तो इतना सोचा ही नहीं हमने, एक लाइन की तरह उन्हें पढ़ लिया, और उसके पीछे इतनी डीप सर की खोज है और इसका महत्व क्या है। तो मैं तो दंग रह गई सुन के। तो मैम, हमारे दर्शकों के साथ भी आप शेयर कीजिए कि वो सर का क्या उन 4 प्रिंसिपल्स पे इतना जोर क्यों था। कि जैसे ध्यान करना, ध्यान सिखाना, तो सर ने खाली ध्यान नहीं लिखा कि ध्यान करो और ध्यान सिखाओ, ये भी नहीं लिखा कि निर्देशित ध्यान करो, निर्देशित ध्यान सिखाओ। तो कितना बहुत खोज के बाद वहाँ ये लिखा, आनापाना सती ध्यान करो और आनापाना सती ध्यान ही दूसरों को सिखाओ, ताकि कहीं किसी को कोई गलत फहमी ना हो जाए कि ध्यान की तो बहुत विधियाँ कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरह सर ने बताया। फिर बताया कि पुस्तकें पढ़ो, तो उसमें सर ने बताया कि पुस्तकें पढ़ने से हमें नए थॉट मिलते हैं, ध्यान करने से हमारा मन विचार शून्य हो गया, नेगेटिव विचार ये सब निकल गए, लेकिन अब नया भी तो कुछ डालना है, तो नया कहाँ से डालेंगे, तो पुस्तकें पढ़ के नया डालेंगे कि अच्छा उस मास्टर के जीवन में ये हुआ तो एक नया मिला। जैसे हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, उसका कैंसर ठीक हो गया, एक नया थॉट मिला, डॉक्टर क्या बोलते हैं ठीक नहीं होगा, लेकिन मास्टर बोल रहे मेरा ठीक हो गया, तो रिप्लेस हो गया ना आपका थॉट, एक नया विचार मिला। तो वो नए शुभ विचार आपको पुस्तकों से मिलते हैं। तो मैंने सोचा ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है। तो इस तरह से पत्री सर ने बताया कि मौन रखने का क्या महत्व होता है। तो मौन से हमें, अगर हम मौन रखें तो अपनी उम्र के हिसाब से अगर हम उतने दिन मौन रखें, तो उसके सर ने बोला कि मुझे 1 साल मौन रखने से 20 साल काम करने की ताकत मिली, इतना महत्व है मौन का। तो अनावश्यक बातें ये सब मौन में छूट जाती हैं। ऐसे करके सर ने पहले 4 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए और भी बहुत डिटेल में बताया, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इतनी एक्साइटेड हो गई मैं ये नई नई बातें सुन के, मुझे लगा मैं किसे शेयर करूँ। होता है ना कि बताओ जल्दी लोगों को कि क्या इन डेप्थ है इनमें, हम तो ऐसे ही प्रिंसिपल समझ रहे हैं। तो लुधियाना वहाँ पे कुछ मास्टर्स बैठे थे रचना मैडम के घर पे, तो मैंने रात को बैठ के उनको बताया कि उस टाइम तो याद था, फटाफट सब कुछ तो बता दिया। एक मास्टर जो थे हमारे साथ दिल्ली के, उन्होंने सुबह जाके मॉर्निंग में जब सर उठे और चाय कॉफ़ी पी रहे थे, तो बोला कि रात को जस्सी मैडम ने हमें 4 प्रिंसिपल्स का बताया, और आप अगर दोबारा रिपीट करेंगे ना तो हम सबको और अच्छे से समझ में आएगा, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो सर ने बोला जस्सी मैडम कहाँ है। तो मैं साथ में बैठी थी दूसरे कमरे में, मैडम सर बुला रहे, सर के पास गई, सर ने बोला हु गेव यू द राइट। तो चौंक गई, मुझे तो बात पता नहीं क्या बात हुई है। मैंने बोला सर व्हाट। सर ने मेरी तरफ देखा, मैं एकदम से समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोल रहे हैं। हु गेव यू द राइट टू टेल। फिर वो मैडम ने मुझे कहा कि मैंने सर को बोला जैसी मैडम ने ऐसे ऐसे रात को बताया, और आप दोबारा बताओ। मैंने कहा सर हाँ, आपने जो रात को बात बताई थी वो मैंने लोगों के साथ शेयर की है। तो सर ने बोला क्या आपने मुझसे प्रश्न पूछा था। मैंने कहा नहीं। क्या मैंने आपको जवाब दिया था। मैंने कहा नहीं। तो फिर आपने इसको शेयर कैसे किया, ना तो आपके प्रश्न थे ना मैंने आपको उत्तर दिया, वो प्रश्न पूछ रहे थे मैं उत्तर दे रहा था। तो सर ने इतना बारीकी से मुझे समझाया कि व्हेन ए एंड बी आर टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक, चाहे वो स्पिरिचुअल टॉपिक ही है, यू आर नो वेयर इन्वॉल्व, आपका कोई उसमें है नहीं कुछ, सिर्फ आप सुन रहे हो श्रोता की तरह, ना आपका प्रश्न है ना आपका उत्तर है।
तो सी को क्या अधिकार बनता है कि वो जाकर दूसरे लोगों को वो कॉन्सेप्ट बताए? तो हमने तो कभी इतनी गहराई से सोचा ही नहीं, हमें तो होता फटाफट बताएं। तो मैंने बोला सर सॉरी। सर ने बोला नहीं जैसी मैडम, आइंदा से ऐसी गलती ना हो कि जब आपका प्रश्न ही नहीं है, मैंने आपको उत्तर ही नहीं दिया, आपको किसने अधिकार दिया कि वो बात जाके आप दूसरों को बताओ। इतना बड़ा मेरा लाइफ का लेसन था कि मुझे सर के साथ कई जगह जाने का मौका मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि सर के साथ कोई अपनी पर्सनल बात भी कर सकता है और मेरे कान में पड़ सकती है, और अगर मेरे अंदर उस बात को रखने की क्षमता नहीं है तो मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, और सर को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो मुझे सर ने लेसन सिखाया कि यू हैव नो राइट, अगर इन जनरल बात हो रही है, सब लोग इन्वॉल्व हैं तो आप जाके वो कॉन्सेप्ट शेयर कर सकते हो, लेकिन ये तो वन ऑन वन बात हो रही है ना, यू डोंट हैव एनी राइट। तो मुझे पहले बहुत क्रेज होता था शुरू शुरू में ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं और तेलुगु में तो बहुत हैं और हिंदी में तो है नहीं, तो हर चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो मैं एक रिकॉर्डर रखती थी अपने पास स्पेशली, और एक टैब रखती थी कि फटाफट अगर उसकी चार्जिंग खत्म होगी तो उसमें रिकॉर्ड कर लूँ। तो जैसे ही कोई प्रश्न पूछता था या सर कुछ बताने लगते थे, सर रुको, तो रिकॉर्डिंग बटन ऑन करती थी। तो थोड़े दिन सर देखते रहे कि हाँ, तो कोई अगर प्रश्न पूछता था और मैं रूम में नहीं हूँ तो सर कहते थे रिकॉर्डिंग वाली को बुला के लाओ। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि वाओ सर मुझे याद कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो थोड़े दिन ऐसे चला और सर ने मुझे बिल्कुल बढ़ाते गए आगे, और जब सर ने देखा कि इसे खुद समझ नहीं आ रहा है और ये धड़ाधड़ रिकॉर्डिंग में लगी हुई है, तो फिर ये वाला एपिसोड हुआ था तब कि आपको किसने राइट दिया। तो फिर तब से मैंने वो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया कि जो भी रिकॉर्ड करना है यहाँ रिकॉर्ड करना है, और हर बात को हर जगह शेयर नहीं करना जी। तो ये कितना बड़ा लेसन था, चाहे वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन वो भी जब आपका नहीं है तो आपको वो शेयर नहीं करना। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे अनुभव सर जो देते थे प्यार से, डांट के, थोड़ा चेतावनी देके, तो वो फिर जो लेसन होते थे वो इम्प्रिंट हो जाते थे अंदर कि मुझे ये चीज़ अपने में उतारनी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गुरु एक डिसाइपल को कह लीजिए या एक फेलो मास्टर को कह लीजिए, वो कॉन्सेप्ट उसके स्तर के हिसाब से देता है कि वो किस स्थिति में है, और हमको क्योंकि हमारे पास इतनी अभी समझ नहीं है तो हमें चुप रहना सबसे पहले सीखना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर उस बात को प्रसारित करें हर जगह जाकर। तो जैसी जी, अब आप हमें बताइए अपनी यमुनानगर की जर्नी के बारे में। आप यमुनानगर भी सर के साथ गई थी, तो वहाँ पर आपने उस यात्रा में क्या आपने अनुभव किया, क्या कुछ आपने सीखा? यमुनानगर से पहले पत्री जी का देहरादून में नेशनल कॉन्फ्रेंस था और उसमें सभी मास्टर्स भी गए थे 2015 में। तो कॉन्फ्रेंस के बाद, दो दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद, सर ने आगे ट्रिप पे जाना था यमुनानगर और लुधियाना, और बाकी मास्टर्स वापस आ गए थे। मैं और साई कुमार सर और शास्त्री जी, हम सर के साथ थे, और सतीश अग्रवाल जी ने देहरादून से आगे चलना था यमुनानगर और लुधियाना। तो रात को सर का पैर स्लिप हो गया बाथरूम में और गिर गए, और सर को थोड़ा पेन शुरू हो गया कमर में, और सुबह तक वो पेन बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि सर बेड से उठ नहीं पा रहे थे। अब जिन्होंने वापस जाना था वो तो रात को चले गए। अब सुबह देहरादून में एक सेशन था, तो सर ने मुझे कहा कि जैसी मैडम सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, क्योंकि बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे ना। तो मैंने कहा कैसे परीक्षा होती है, आपको पता भी नहीं चलता कि गुरु परीक्षा ले रहा है, लेकिन बाद में आपको समझ में आता है, अरे ये तो परीक्षा थी। तो मैंने कहा हाँ सर ठीक है। फिर मैंने सोचा कि शास्त्री जी भी हैं, साई कुमार सर हैं, मैं हूँ, सतीश अग्रवाल, चार लोग हैं हम, तो हम में से कोई भी दो मास्टर जाके सेशन ले आते हैं, ध्यान ही तो सिखाना है, तो सर रेस्ट कर लेंगे और दो लोग सर का ध्यान रखेंगे और दो लोग जाके सेशन ले आएंगे तो सब काम हो जाएगा। तो मैंने दोबारा से जाके सर को बोला, सर सेशन हम कैंसिल नहीं करते, आप रेस्ट करो और हम दो लोग जाके कोई भी सेशन लेके आ जाते हैं। तो मेरी तरफ देख के हंसने लग गए, तो कहने लगे नहीं कोई बात नहीं जैसी मैडम, एक आश्रम में जाना है और कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, आप कैंसिल कर दो, किसी को भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, तो कैंसिल कर दिया। दो दिन सर ने रेस्ट किया देहरादून में। अब दूसरे दिन शाम को यमुनानगर में सर का सेशन था और
जो संगीता नेहरा मैडम है पंचकुला में, उन्होंने बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फुल स्केल पे। अब सर ने जाना था, तो लग रहा था सर जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे रेस्ट करते करते इम्प्रूव हो गया। कोई मेडिसिन नहीं ली सर ने, कुछ नहीं लिया, वो रेस्ट से ही इम्प्रूव हो गया। और वहाँ पर एक मास्टर आया जो रेकी हीलर था, जापान से एक मास्टर था, उसको पता चला। उसने बोला सर को मैं आपको हीलिंग देना चाहता हूँ। सर ने बोला ठीक है, तो वो हीलिंग देने लग गए। हीलिंग देने लग गए, जब उनका हो गया प्रोसेस जो भी उन्होंने करना था, तो सर ने बोला बैठ जाओ। बैठ गए तो सर ने बोला कि आप वेजिटेरियन हैं नॉन वेजिटेरियन हैं? तो जापान का मास्टर था, उसने बोला नॉन वेजिटेरियन। सर ने बोला आप किसकी क्या हीलिंग करोगे, आपको तो खुद हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बेसिक ही नहीं पता है स्पिरिचुअलिटी का और आप लोगों को हील कर रहे हो, चलो बैठो ध्यान करो। तो सर ने फ्लूट निकाला और उन्हें मेडिटेशन में बिठा दिया। तो ये इतनी हैरानी होती थी कि कहाँ तो वो उठ नहीं पा रहे थे और कहाँ वो उस एक मास्टर को ध्यान सिखाने के लिए फ्लूट बजाने बैठ गए। तो फिर उसको ध्यान सिखाया सर ने और कहा कि अब आगे इसे कंटिन्यू करना और शाकाहारी बनो, और फिर रेस्ट करने लग गए। तो सुबह हम सोच रहे थे कि कैंसिल नहीं करते यमुनानगर, हम दो लोग जाके सेशन करते हैं और सर रेस्ट करते हैं। तो सुबह सर ने बोला नहीं चलेंगे, तो हम यमुनानगर पहुँच गए और फिर हमने सबको सर को बोला कि सर आप रेस्ट करो, सेशन कैंसिल नहीं करते हैं, हम सेशन लेके आ जाएंगे। तो ठीक है सर आप रेस्ट करो। और जैसे ही हम गए, हम सेशन में पहुंचे, अभी सेशन शुरू ही हुआ था, हमारे पीछे ही सर भी आ गए गाड़ी दूसरी में और सर ने वो सेशन लिया। और जब वो सेशन हो गया और सर स्टेज से नीचे उतरे, अब किसी को तो नहीं पता ना कि सर गिरे थे, दर्द है, ये सब नहीं, तो उन लोगों ने तो देखा सेशन ले रहे हैं और चल पा रहे हैं। तो किसी ने, कोई योगा ग्रुप था उसका वो हेड था, उसने आके सर को बोला कि सर हमारे सुबह 5 बजे एक योगा क्लास होती है यमुनानगर में और यहाँ पर 100 लोग कम से कम होते हैं सुबह, तो अगर आप सुबह सेशन लोगे तो इतने लोग ध्यान सीख पाएंगे। मैं अभी सोच ही रही हूँ कि सर को तो रेस्ट करना है, तो तभी सर ने मेरी तरफ देख के कहा जैसी मैडम इनसे एड्रेस ले लो, सुबह 5 बजे चलेंगे। मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ कह पाऊँ उनको। जैसे मैडम सुबह 5 बजे इनका एड्रेस ले लो, हम सुबह ध्यान सिखाने जाएंगे, इतने लोग ध्यान सीखने के लिए इच्छुक हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। यस सर। और सुबह अगले दिन 5 बजे सर वहाँ जाके पार्क में लोगों को ध्यान सिखाया। और हमेशा सर ने ये सिखाया कि आप किसी भी स्थिति में हो, जब भी आपको ध्यान सिखाने का अवसर मिलता है उसे छोड़ना नहीं है। तो ये एक बहुत ही अपने आप में बड़ा लेसन था। हमें जरा सा कुछ होता है तो हम प्रोग्राम कैंसिल करके बैठ जाते हैं जी। कि नहीं छोड़ो यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन सर ने एक प्रोग्राम कैंसिल किया, लेकिन उसके बाद यमुनानगर का भी प्रोग्राम किया, लुधियाना में भी जाके प्रोग्राम किया। और पेन थोड़ा थोड़ा था उन्हें तब भी, चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने सेशन कोई भी कैंसिल नहीं किया। कि जब लोग सीखने के लिए तैयार हैं, तो सर एग्जाम्पल देते थे कि भीष्म पितामह ने तीरों की शैया पर लेटे हुए भी ज्ञान दिया धर्मराज युधिष्ठिर को। तो आप किसी भी स्थिति में हो, मास्टर का ये काम है कि कोई इच्छा करके उसे सीखने आया तो उसे सिखाना ही है। तो ये सब चीज़ें सर के व्यवहार से हमने सीखी, जो हम सीख नहीं सकते वैसे। और सर ने कभी ऐसे हमें ये नहीं कहा ऐसा आचरण करो ऐसा नहीं करो, कैसा करना चाहिए वो करके दिखाया। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत घटना बताती हूँ। पत्री जी के साथ हम मावतर बाबा केव्स गए थे और जैसे नॉर्मली हम ट्रैकिंग करके ऊपर चले जाते हैं, ट्रैकिंग करके ध्यान करके नीचे आ गए, हमें तो बस एक ही काम है ध्यान करना है, आसपास क्या हो रहा है, क्या जागरूकता चाहिए, मास्टर कैसा होना चाहिए, वो सब नहीं पता, बस ध्यान किया आ गए। जब ऊपर चढ़ के गए और वहाँ पे सर ने गुफा में, और एक हॉल है वहाँ पर, वहाँ ध्यान कराया, तो वापसी जब आ रहे थे सब धीरे धीरे नीचे उतर गए। बाई चांस उस समय वापसी वाले ग्रुप में मैं सर के साथ थी, जातिवार तो और लोग थे, वापसी में मैं सर के साथ ही। जैसे ही सर हॉल से बाहर निकले, कहाँ से सर को एक इतनी लंबी छड़ी मिल गई लकड़ी की, पेड़ की कोई, और कहाँ से एक लिफाफा दिख गया, और सर ने वो लिफाफा हाथ में उठा लिया, छड़ी हाथ में उठा ली, समझ नहीं सर छड़ी और लिफाफे का क्या करेंगे। तो सर ने क्या किया कि उस पहाड़ी से उतरते टाइम जितने भी प्लास्टिक के रैपर, टॉफ़ी के रैपर,
बिस्किट के जो रैपर होते हैं, फ्रूटी के डिब्बे, जो भी हम खाते खाते फेंक के चले आते हैं, वो जहाँ तक सर का हाथ जाता था लकड़ी से उनको खींच खींच के वो सारे लिफाफे में डालते गए। उनको देख के हम सब ने भी करना शुरू किया, और जब तक हम पहाड़ी से नीचे उतरे तो कितने लिफाफे भर गए थे कचरे के। अब मेरे अंदर बहुत ही हलचल हो रही थी कि सर ऐसा कर रहे हैं, उन्हें उन्हें तो जब हमें लगता है उन्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, छोटे छोटे काम हम तो खा पी के फेंक के आ जाते हैं। तो मेरे अंदर चल रहा था सर क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है इसमें छुपा हुआ। तो जब तक हम नीचे उतरे और नीचे जो वहाँ पर केयर टेकर था पहाड़ी के नीचे, उसकी हट थी, तो सर ने उसे बोला जहाँ बाकी सब कचरा फेंकते हो ये भी वहाँ फेंक देना। तो मुझे देख के कहने लगे, और जैसी मैडम क्या हो रहा है? मैंने कहा सर जो हो रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। कह रहे क्या हो रहा है? मैंने कहा सर हम ध्यान पे जोर देकर ध्यान करके वापस आ जाते हैं, हम भी खाते हैं फेंक के आ जाते हैं, लेकिन आपने खाया भी नहीं, कुछ फेंका भी नहीं, और जो कचरा आपकी नज़र में पड़ा उसे भी आप उठा के नीचे ले आए। तो आज आपने मुझे ये लेसन सिखाया है कि मनुष्य को प्रकृति में रहना कैसे चाहिए। हम प्रकृति को गंदा करके आते हैं, लेकिन प्रकृति में रहने का भी एक विधि विधान है जो आज आपने करके दिखाया। तो मैं हमेशा ज़िंदगी भर इसे याद रखूंगी, और मैं जहाँ भी जाऊँगी इसे शेयर ज़रूर करूँगी कि हमें प्रकृति में कैसे रहना चाहिए। तो सर ने बोला कि मैं प्रकृति का ध्यान रखता हूँ ना, इसलिए प्रकृति भी मेरा ध्यान रखती है। अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा ध्यान कैसे रखेगी? तो ये सब लेसन्स जो सर से सीखे, वही आज वो अनुभव जो है उसी से इतनी खुशी मिलती है कि ये चीज़ें किसी पुस्तक में नहीं बताई जाती। तो हम भी सभी घूमने जाते हैं, हम घर से जाते हैं, गाड़ी में बैठ के कुछ खाते हैं, सड़क पे फेंक के आ जाते हैं, लेकिन तब से ये नियम बनाया कि नहीं, प्रकृति माँ है और माँ की तरह उसकी कदर करनी है, ये मैंने सर से सीखा। जी आपने बिल्कुल सही बात करी जैसी मैम, हम लोग 5D 5D बोलते रहते हैं, 3D 5D बोलते रहते हैं, रहना हमको हमने नहीं सीखा, हम जहाँ मर्जी कचरा फेंक कर चलते फिरते हैं। अगर ये 5D अर्थ अगर मान लीजिए फुली आ भी चुकी है, मान लीजिए वो शिफ्ट हो भी चुका है फुली, तो भी हमको उसमें रहना तो सीखना है, और ये सर ने हमें अपने उदाहरण से बताया, ना कि हमें कोई भाषण दे के, हमें कोई प्रवचन दे के कि ये मत करो वो मत करो, नहीं, अपना एक जीवंत उदाहरण। तो ये आपने हमें बहुत सुंदर बात बताई। तो जैसे जी आपने बताया कि आपने कई जगह सर के साथ ट्रैवल किया, कई जगह आपने यात्रा करी उनके साथ, ऐसा हमको समझ आया कि आप 3-4 महीने पहले जाकर उस जगह पर जाकर ध्यान प्रचार करती थी जहाँ पर सर का सेशन होना होता था, इसके पीछे क्या कारण था? ये जो आप ग्राउंड वर्क करते थे इसके पीछे क्या क्या कारण है? काजल जी, ऐसा है कि एक बार मैं एक ट्रिप में सर के साथ गई थी, पंजाब का ही ट्रिप था, उसमें हमें यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़ सब कवर करना था। तो जब मैं अम्बाला एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई समझ नहीं आ रहा था कि अम्बाला जाना भी ज़रूर है और वहाँ पे कहाँ रुकना है, कैसे क्लास अरेंज करना है, ये समझ नहीं आ रहा था, बाकी सब मेरा हो गया था। तो मैंने कुछ मास्टर से बात किया कि अम्बाला मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर को कहाँ रुकेंगे और कहाँ क्लास होगी, तो अगर आप किसी को जानते हो तो मुझे बताओ। तो किसी मास्टर ने मुझे रेफरेंस दिया कि वहाँ पर एक फैमिली है जो ध्यान करती है और वो ध्यान सीख के गई है, और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा आप वहाँ पर अगर सर को लेकर जाते हो, उनके घर में नाइट स्टे करते हो, और वो क्लास भी अरेंज कर देंगे, आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर देंगे। उनकी बात मानकर मैंने यस कर दिया, ना मैं अम्बाला गई, ना मैं उस फैमिली से मिली, ना मैंने उनका घर देखा, बस मास्टर ने कहा कि मेरे बिहाफ पे आप ये प्रोग्राम प्लान कर लो, तो मैंने प्लान कर लिया। अब जब ट्रिप से होते हुए अम्बाला रात को पहुँचे, शाम को पहुँचे, शाम का सेशन था, तो उनके घर पहुँचे और चाय पी सर ने, और उसके बाद सेशन में चले गए। सर ने उनका एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने बता दिया पहले, और जब वहाँ पर सेशन में, गुरुद्वारे में था वो सेशन हॉल में, तो कुछ सिख फैमिलीज भी थी, और जैसे ही सर ने बोला कि गुरु नानक ने आपको क्या सिखाया है, तो आप बताओ आप में से कितने लोग मांसाहार करते हैं, तो एक सरदार ने हाथ खड़ा किया। तो सर ने उन्हें कहा कि आपने गुरु नानक से क्या सीखा है, तो लेकिन वो जो सरदार जी थे वो सर से बहस करने लग गए
कि हो सकता है इसमें कई ऐसे बैठे हों जो मांसाहार करते हो, मैंने हाथ खड़ा कर दिया तो आप मुझे ही डांटने लग गए। तो मैं बहुत अंदर से हुआ कि अब इसको तो मालूम नहीं सर कौन है, मुझे तो मालूम है और ये बार बार बहस किए जा रहा है उस बात पे। तो मैंने जाके उसे बोला मुझसे बात करो, आप सर से बहस मत करो। फिर सर ने उस मास्टर को बोला कि आप जिसके घर रुके थे एक्सपीरियंस शेयर करो। तो उन्होंने बोला कि मैंने ध्यान सीखा मास्टर से लुधियाना जाके और मैंने 40 दिन ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मैंने ध्यान छोड़ दिया। इतना सुनते ही सर ने उसके हाथ से माइक ले लिया कि फिर आपने छोड़ दिया तो फिर आप शेयर क्या कर रहे हो। वो दूसरा झटका लगा मुझे कि ये तो गड़बड़ हो गया। और फिर सेशन हुआ लेकिन सर सारे नए लोग हैं, किसी को सर के बारे में कुछ नहीं पता, किसी को ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, और ऐसे बिल्कुल रॉ लोगों के सामने जाके मैंने सर को बिठा दिया जिन्हें कुछ भी पता नहीं है। अब सर उन्हें वो ध्यान सिखाना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज देना चाहते हैं, एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी लेने की स्थिति में नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो आधा घंटा हुआ, सेशन हुआ, हम घर चले गए। घर जाके जब वो फैमिली में उनके ब्रदर और उनकी भाभी मिलने आई सर से, तो उन्होंने जैसे सर नॉर्मली बोलते हैं प्रश्न पूछो, तो उनको भी सर ने बोल दिया प्रश्न पूछो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मन्नत मानते हैं मंदिर में कि हमारा ये काम पूरा होगा तो हम ये करेंगे, तो करनी चाहिए कि नहीं। बस ये बात सुन के तो वो जितना पहले बिल्डअप हो रहा था गुस्सा सर का और बढ़ गया। सर ने बोला लगता है आपका पहला जन्म है धरती पर, आपको इतना भी नहीं पता संत से बात कैसे करनी चाहिए और आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। तो सर ने एकदम मुझे देखा, ले जाओ जस्सी मैडम इन्हें ध्यान सिखाओ जाके, पहले इन्हें तो पता ही नहीं है बात क्या करनी है। और आज मेरा व्रत है मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। ध्यान को जानते नहीं है लोग, ध्यान का पता नहीं है, संत से कैसे बात करना है पता नहीं है, चले आते हैं मिलने, वो बेचारे उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। और सर अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब घर वाले भी घबरा गए, मैं भी उनको जानती नहीं हूँ, मेरी भी उनसे कोई इंटीमेसी नहीं है, एक दूसरे के लिए हम सब अजनबी हैं, मैं तो भी सिर्फ सर को ही जानती हूँ और सर के साथ 4 लोग और हैं। तो भानु सर थे, उन्होंने फिर मैंने और उनको जाके उस परिवार को ध्यान सिखाया और मैंने सर को फिर थोड़ी देर बाद जाके बोला, सब डर गए, मैं भी उस टाइम बहुत डरती थी, तो मैंने सर को बोला सर चाय बना देती हूँ आप चाय पी लो। नहीं मेरा व्रत है। सर फ्रूट ले लो। नहीं मेरा व्रत है। आप सब लोग खाना खा लो, मेरा व्रत है। उस समय ट्रिप में और कोई साथ नहीं था मेरे, जैसे साई कुमार सर या कोई बड़ा जिससे सलाह करके इस आगे क्या करना है पता चले। तो मैंने शास्त्री सर को फ़ोन किया कि क्या करूं, आपने तो मुझे चक्कर में डाल दिया, मेरे तो डर लग रहा है सर के सामने जाते हुए भी, वो तो इतने जोश से बोले मेरा तो व्रत है मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और मैं क्या करूं मैं अब। तो कहने लगे नहीं मैडम आप जाके सर से बात करो, ऐसे नहीं होगा, तो आप डरो मत, जो सिचुएशन है सर को बताओ। तो ये हुआ और सर ने मुझे बुलाकर कहा जैसी मैडम हम रात को यहाँ नहीं रुकेंगे, कल कुरुक्षेत्र जाना है, हम आज ही चले जाएंगे कुरुक्षेत्र, तो आप लोग खाना खा लो, मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं यहाँ पर। समझ नहीं आ रही क्या करूं। और मैंने ठीक है सर करके बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली और मैंने कुरुक्षेत्र जिस फैमिली के पास जाना था, अगले दिन जाना था, उनको फ़ोन किया कि ऐसी बात है सर आज ही आपके घर आना चाहते हैं, तो आप सर के लिए रूम रेडी कर दो, हमारी तो कोई बात नहीं, हम जैसे भी एडजस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला आज लेकर मत आना, आपने कल के लिए रूम बोला था, आज के लिए नहीं बोला था, आज हमारे रिलेटिव आए हैं। इतना हैरान हो गई, एक गुरु आ रहा है आपके घर में, तो रिलेटिव आगे हैं कि गुरु आगे हैं, लेकिन आपके अंदर वो भाव नहीं है, आप तो एक समझ रहे हो कि किसी के रेफरेंस से कोई आ रहा है तो चलो रूम देना है। तो मुझे लगा ये एक गलती, ये दूसरी गलती और ज़्यादा हो गई, तो अब क्या करूँ। सर कह रहे हैं यहाँ रहना नहीं है, जिनके घर जाना है कल वो कह रहे हैं आज आना नहीं है, तो फिर बीच में कहाँ जाऊँ। तो फिर जब सब ने मुझे बोला आप जाके बात करो, तो मैंने जाके सर को बोला सर ऐसा है आगे आज जा नहीं सकते और आपको यहाँ रहना नहीं है, तो फिर हम पीछे जा सकते हैं पंचकुला, और पंचकुला में जो मैडम है वो है नहीं अपने घर में, क्योंकि राखी थी वो अपने त्यौहार के लिए चली गई हैं। तो सर अब आप बताओ क्या करना है। पहली बार जाके इतनी हिम्मत करके मैंने सर से बात की, कहते ठीक है पंचकुला चलेंगे। तो ठीक है, अभी मैं रूम से बाहर भी नहीं निकली थी और मुझे बोलते जैसी मैडम पंचकुला क्यों जाएंगे, वहाँ से तो हम आ गए ना, अम्बाला आ गए, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र जाना है, तो पीछे पैर नहीं करना है, आगे ही बढ़ना है, तो आगे जा नहीं सकते,
क्योंकि उन्होंने मना कर दिया उस फैमिली ने, तो फिर कोई बात नहीं, यहीं रुकेंगे। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो सर अगर आपको यहाँ रुकना है तो मैं कुछ बना देती हूँ, आप खा लो। नहीं, मेरा तो व्रत है। नहीं, पानी भी नहीं पिया। खाना तो दूर की बात है, वो फैमिली इतना घबरा रही है, रो रही है। एक व्यक्ति के अंदर भाव होता है संत हमारे घर आए, अगर वो पानी नहीं पियेंगे खाएंगे नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होगा। एक एक डिसरिगार्ड सा लगता है। वो अपनी जगह रो रहे हैं, मैं अपनी जगह परेशान हो रही हूँ कि मैं कैसी सिचुएशन में फंसी हूँ और मैंने इतनी बड़ी गलती की। ना तो मैं यहाँ आई, ना मैंने ध्यान प्रचार किया, ना मैं लोगों से मिली, ना मैंने घर देखा, और मैं सर को लेके आ गई किसी के कहने से। तो ये तो बहुत बड़ी गलती की है मैंने। रात को जब फिर सर ने बोला मैं रेस्ट करूँगा, तो उन्हें बोला कि सर को रेस्ट कहाँ करना है, आप वो जगह दिखा दीजिए। तो उन्होंने जो रूम दिखाया सर के लिए, तो सर रेस्ट करने चले गए। तो मेरे अंदर ये चल रहा है कि मेरे से ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। तो फिर मैंने सर को बोला, सर आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी गलती है, मैं यहाँ आई नहीं, मैंने देखा नहीं, इन लोगों से नहीं मिली, ध्यान प्रचार नहीं किया और मैं आपको लेकर आ गई, तो आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। तो सर ने मुझे बोला, जैसी मैडम कोई गलती नहीं है। इतना इजी कर देते थे वो लेसन सिखा के, सिखाते सिखाते भी इतना इजी कर देते थे, कोई गलती नहीं है। जहाँ ध्यानी है वहाँ भी जाना है, जहाँ ध्यानी नहीं है वहाँ भी जाना है। तो आप ये मत सोचो कि गलती है, ठीक है, होता है, आप जाके रेस्ट करो, सुबह देखेंगे। तो वहाँ रात को रेस्ट किया। अब वो सुबह देखेंगे तो सर ने बोल दिया, पर तो कुछ खा नहीं रहे हैं, शाम से पानी भी नहीं पिया है। तो वो फैमिली मुझे कहती है, अब क्या करें ब्रेकफास्ट। मैंने कहा ऐसा है, आप ब्रेकफास्ट रेडी करो, अगर सर खाएंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो रास्ते में हम सर को कुछ खिला देंगे, हम थोड़ा खा लेंगे। तो मतलब इतना स्पॉन्टेनियसली आपको डिसीजन लेना पड़ता था। अगर एक एक ऑप्शन ये है कि हम भी नहीं खाएंगे, सर नहीं खा रहे तो हम कैसे खा सकते हैं, तो उनका कितना मन दुखता। लेकिन उस समय, अब ये बात मैं सर से जा के पूछ नहीं सकती, क्या करें। रात को भी सर ने बोला आप लोग खा लो। तो फिर मैंने उनको बोला, आलू के पराठे बनाते हैं और पोहा बनाते हैं, सर को कुछ लेना होगा ले लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें सर की फेवरेट हैं। तो सुबह जब सर उठे और फ्रेश होके आए बाहर, तो चलना है सर, तो सर ब्रेकफास्ट क्या लेंगे। उससे पहले रात को हमने उस परिवार को ध्यान कराया, पूरी फैमिली को। सुबह उठ के फिर उनको ध्यान कराया, समझाया उनको, एक एक घंटा ध्यान कराया। और फिर जब सर रेडी होके आए, तो मैंने सर से पूछा, सर ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे आप। तो सर बोलते क्या है। तो मैंने इशारा किया उनको, जो हाउसवाइफ थी जो, तो मैंने कहा आप बताओ। तो उन्होंने बोला आलू का परांठा है, पोहा है। सर ने बोला मैं आलू का परांठा खाऊंगा। अब वो इतना डर रही थी, रात से इतना डर गई थी, तो मुझे कहने लगी आप बनाओ, मैं नहीं बना सकती। मैंने कहा नहीं आप बनाओ, अगर मना करना होता सर मना कर देते। तो फिर उन्होंने परांठा बनाया और सर ने खाया। तो फिर उससे ये समझ में आया, इस पूरे इंसिडेंट से, कि जहाँ भी सर को लेके जाना है पहले प्रचार करना है, ताकि किसी को पता तो चले हम बात किससे कर रहे हैं, कौन है ये जिससे हम बात करें। अगर जैसे सर एग्जांपल देते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछना है तो केमिस्ट्री के बारे में ABC तो पता होनी चाहिए ना। कुछ भी नहीं पता तो अब क्या बात करोगे केमिस्ट्री के प्रोफेसर से। तो तब से मैंने ये नियम बना लिया कि जहाँ भी सर को लेके जाना है सारी चीज़ें चेक करके, प्रचार करके, सर के बारे में बता के, तब आमने सामने लोगों को बिठाना है, ताकि लोग उस ऊर्जा का फायदा उठा सकें। तो उससे सर को भी खुशी मिलेगी। अगर कोई कहेगा 3 महीने से मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैडम ने सिखाया, हमें ये एक्सपीरियंस हुए, ये चेंज हुआ, तो सर को भी खुशी मिलेगी एक्सपीरियंस सुन के, और उन लोगों की भी एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सर की एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। तो तब से मैंने ये नियम बना लिया कि कहीं भी जाना है ध्यान प्रचार करना है। ये जो आपको इतना एक अनमोल सीख मिली कि जाकर पहले ग्राउंड प्रिपेयर करना होता है, आपको खुदाई करनी होती है इससे पहले कि आप किसी संत के चरण पड़े उस जगह पर, तो तभी उसका कोई फायदा होता है। क्योंकि हर किसी को लगता है कि संत आए हमारे घर आ जाएं, चाय पानी पिला देंगे, खिला कुछ खाना वाना खिला देंगे, आशीर्वाद देंगे, वही एक नियम बना हुआ है ना, एक चाल बनी है वो। लेकिन सर के साथ तो वो चाल चलती नहीं है। तो जैसे मैम, जैसा हमें समझ आया है कि बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है जब आप सर के साथ जाते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि ये प्लानिंग फेल हो गई हो, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई हो? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सर रुकना नहीं चाहते, आगे जो फैमिली है वो अभी आज तैयार नहीं है,
पीछे जाना नहीं है, सर कह रहे हैं पीछे जाना नहीं है तो क्या करना है। तो कुरुक्षेत्र के एक मास्टर थे, उन्होंने मुझे रात को कितने फ़ोन किए कि अगर सर यहाँ पर नहीं रुक रहे, और उनके वो उनको भी जानते थे, अगर यहाँ उनके पास जगह नहीं है आप हमारे घर लेके आ जाओ। मैंने इंतज़ाम कर दिया। तो मैंने कहा पहले एक गलती हुई अम्बाला लेके आई, दूसरी गलती कुरुक्षेत्र, मैंने उनको भी नहीं जाना, देखा नहीं, वो भी मैंने किसी के कहने से प्लान किया, अब मैं आपके कहने से तीसरी जगह सर को रात को 11 बजे ले जाऊं, पता नहीं आगे क्या होगा, यू नेवर नो। तो ये इतना बड़ा काम मैं दोबारा नहीं कर सकती। और जब सुबह हम कुरुक्षेत्र गए, उस फैमिली ने इतना प्यार किया सर से, ध्यानी परिवार था, उस मास्टर ने उन्हें ध्यान कराया था, वो मिलकर ध्यान करते थे, ध्यान प्रचार करते थे, और वहाँ हमें सिर्फ 2 घंटे रुकना था, शाम के प्रोग्राम के बाद वापस यमुनानगर चले जाना था। उस परिवार ने इतना प्यार किया क्योंकि ध्यानी परिवार था, सर ने उनके किचन में जाके खाना बनाया, और सर ने मुझे कहा जस्सी मैडम रात को यहीं रुकेंगे, मेरा प्लानिंग है रात को यमुनानगर जाके रुकना है। वो एक मास्टर हैं हमारे चंडीगढ़ के, उनके समधी का घर है, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, मेरा प्लानिंग है उनके घर रुकना है, ये मेरा प्लानिंग था यहाँ रुकना है। सर ने बोला यहाँ नहीं रुकेंगे, एक रात पहले कह रहे यहाँ नहीं रुकेंगे, नेक्स्ट मेरा प्लानिंग है यमुनानगर रुकेंगे, तो सर बोले नहीं यमुनानगर नहीं कुरुक्षेत्र रुकेंगे। तो वो समझ में आया कि सर भाव के भूखे हैं, ना उन्हें किसी बड़े धनवान से कुछ लेना है, ना उन्हें कुछ गरीब से है, उन्हें भाव चाहिए। तो उस परिवार का भाव देख के, उनके अनुभव सुनकर, उन्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाया, फिर उन्हें ध्यान कराया घर में, स्पेशली परिवार को ध्यान कराया, क्योंकि इतना खुश हो गए थे सर उनके अनुभव सुन के, और रात को वहीं रुके फिर, और यमुनानगर फिर हम अगले दिन गए। और अगले दिन जब यमुनानगर गए, वो परिवार बहुत ही धनी परिवार है, और रेफरेंस है वो भी किसी का, एक ध्यानी है हमारे, बहुत सेवा करते हैं, उनकी बेटी का ससुराल है, तो बेटी भी वहीं थी। और वहाँ जाके जब जैसे ही सर बैठे, और उन्होंने पानी देते हैं ना हम, कोई आए तो पानी पिलाते हैं, सर ने बोला पहले बैठ जाओ सारे ध्यान करो, पानी भी नहीं पिया वहाँ पर। आधा घंटा पहले ऐसे ही ड्राइंग रूम में बैठ के उन्हें बांसुरी के साथ ध्यान कराया, और ध्यान कराने के बाद कहा अब लाओ पानी, तब पानी चाय सब पी, सबसे बात की, और कह के अगले दिन रात को वहाँ रुके, अगले दिन कह के निकले वहाँ से, अब मैंने आपको ध्यान सिखा दिया है, अगर अब ध्यान नहीं करोगे मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मुझे किसी के बंगले से गाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं ध्यान से, जो जहाँ ध्यान नहीं है वहाँ मेरा कोई मतलब नहीं है। आप ये मत समझो कि आप एक मास्टर की बेटी हो तो मैं आपके घर आऊँगा, अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो मेरे को इस बंगले से गाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भी एक लेसन था कि अगर वो परिवार ध्यानी नहीं है तो सर पानी भी नहीं पिया, और अगर एक परिवार ध्यानी था एक दिन पहले तो वहाँ पर सर रुके। तो ये जो गुरु के साथ हमारी जो ये ट्रेनिंग होती है, बहुत ही कीमती और अद्भुत होती है। हम गुरु के साथ में एक फिक्स्ड पैटर्न के साथ नहीं चल सकते कि ये प्लानिंग है ऐसा ही होगा, हमेशा सर अपसाइड डाउन कर देते थे, और उसके लिए हमें फिर हमेशा फ्लेक्सिबल और तैयार रहना पड़ता था, और उसमें सर का मैसेज पकड़ना पड़ता था कि क्या सिखा रहे हैं। वो जैसे बोलते हैं ना पावर ऑफ नाउ, एकाध टोले की बुक है पावर ऑफ नाउ, अभी में रहना, अभी में जीना। हम इतनी प्लानिंग पहले, इतनी प्लानिंग ठीक है करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको उस मोमेंट पे जो है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि आप प्लानिंग किसके लिए कर रहे हो, गुरु के लिए। गुरु के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हो, एक लेआउट बना सकते हो, लेकिन गुरु तो कुछ और चीजें देखेगा ना जो आप तो सोच भी नहीं सकते। तो मैम आपने हमें बताया, आपने देश में आप बहुत जगह गई, क्या आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप विदेश में भी सर के साथ ट्रैवल कर सके? हाँ काजल जी, मैं 2014 में सर के साथ इजिप्ट गई थी, और वहाँ पे किंग्स चैम्बर में ध्यान किया, और एक बार मैंने सारा इजिप्ट देख लिया, सारा घूम लिया, ध्यान भी कर लिया। एक सपना होता है ना कि एक बार विदेश चले जाओ, देख के आओ, और वो भी सर के साथ जाना, और वो गीज़ा पिरामिड के किंग्स चैम्बर में ध्यान करना, तो अपने आप में बहुत अद्भुत था। लेकिन 2015 में फिर मुझे मौका मिला, मौका इस तरह मिला कि मुझे अगर अपने पॉकेट से खर्च करना हो तो शायद मैं दोबारा जाने का सोचती नहीं,
लेकिन किसी मास्टर ने मुझे कहा कि मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, आप चलो साथ। तो लालच आ गया, मैं तो हो आई थी, किंग्स चैम्बर ही मेन होता है देखने का, वहाँ देख लिया, ध्यान कर लिया, सब कर लिया। लेकिन उस ट्रिप में सर को द हब एक रिट्रीट थी, वहाँ पे सी शोर है, उसके किनारे जो छोटी सी प्लेस है द हब, जिसे लोग दूर दूर से देखने जाते हैं, और वहाँ पे समुद्र में एक ब्लू होल नाम से जगह है, जो ऊपर से वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्लू होल है वो, और वहाँ लोग जाके डाइविंग करते हैं, उस होल को देखने जाते हैं। वो लिटरली ब्लू कलर पूरा प्रॉपर दिखाई देता है, होल पूरा दिखाई देता है। तो जब लोगों ने मुझे बताया तो मुझे लगा यार ये तो देखने वाली चीज़ है, देखनी चाहिए, तो लालच आ गया मन में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने एक बार सोचा कौन देता है, किसको इतने पैसे देता है, कौन स्पॉन्सर करता है, ऐसे तो हंसी हंसी की बात है, मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन वो सही में उस मास्टर ने वो ट्रिप स्पॉन्सर किया और मैं साथ में चली गई। अब मैं जब साथ में गई तो मुझे यहाँ एयरपोर्ट से ही डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हुआ, समझ नहीं आ रही, और उस ट्रिप में सर भी साथ में हैं। तो मैंने सर को बोल दिया कि सर ये ट्रिप ना मास्टर ने मेरा, इस मास्टर ने स्पॉन्सर किया है। सर ने बोला हाँ ठीक है। और जब मैं वहाँ पहुँच गई, दहा पहुँची, इजिप्ट पहुँची, सर मुझसे बात नहीं कर रहे। बड़ी हैरानी हो रही है कि मैं तो ध्यान करने आई हूँ और क्या ऐसा किया कि सर मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही मधु गजाला जी हैं, उनके घर में सर ने सब मास्टर्स को बुलाया, उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये मास्टर भोपाल से आया है, ये मास्टर यहाँ से आया है, सबका इंट्रोडक्शन दिया, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला, मुझे नहीं बुलाया। फिर मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है जो सर मुझे नहीं बुला रहे हैं। फिर दहाब रिट्रीट में सर ने एक दिन का फुल डे का रिट्रीट था समुद्र के किनारे, सर ने सबको स्टेज पर बुलाया, मेरे राइट में जो बैठा उसे भी बुलाया, मेरे लेफ्ट में जो बैठा उसे भी बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ऐसा इग्नोर किया कि जैसे मैं हुई नहीं वहाँ पर। फिर तो और ज़्यादा डीप वो हो गया कि बहुत बड़ी कोई गलती की है मैंने। तो सोचना शुरू किया ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे कि जो सर मुझे देख भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे मुझसे, मुझे बुला भी नहीं रहे। तो जिस दिन वापिस आना था इजिप्ट से, तो मधु गजाला जी के घर पर हम सब बैठे हुए थे, तो सर ने तब कहा कि ऐसे ही बात किसी और से कर रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे, बात भी किसी और से कर रहे थे, कि सेवा आप इतनी करते हो, कहाँ से सीखा आपने इतनी सेवा करने, मधु जी से ही पूछ रहे थे। तो उन्होंने बोला सर आपसे सीखा। फिर दूसरी बार सर ने यही बात बोली, उन्होंने बोला सर आपसे सीखा। तीसरी बार भी बोला, तो जैसे हमें लगता है कि हाँ सर से ही हमने सब सीखा, तो एक हम्बलनेस सी हम लगता है कि हमारे अंदर आ रही है। तो सर ने बोला स्टूपिड लेडी, जो अपनी सेवा नहीं कर सकता वो दूसरे की सेवा क्या कर सकता है। तुम में लग रहा है तुम दूसरे की सेवा करके महान बन रहे हो, तुम्हें तो अपने शरीर का ही नहीं पता, तुम्हारा शरीर तकलीफ में है, तुम्हें इतनी सर्दी खांसी हो रखी है, तुमसे बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी तुम्हें जब कहा जाता है कॉफी पी लो, चाय पी लो, मैं सबको पिला के पीऊंगी, सबको खिला के खाऊंगी, तो तुम अपना ही ध्यान नहीं रख सकते तो दूसरे का क्या ध्यान रखोगे, और अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं तो तुम सेवा क्या करोगे। आर यू मास्टर, आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं पता। झटका लगा मुझे बहुत जोर से, यस मैं अभी मास्टर नहीं हूँ, अभी सर जिसको भी बुला रहे हैं बोल रहे हैं मास्टर, ये मास्टर दिल्ली से आया है, ये मास्टर भोपाल से आया, तो मैं तो अपने इमोशंस में मास्टर ही नहीं है, मैं तो जरा सी बात में लालच में आ गई, और फिर मुझे लग रहा है सर मुझे मास्टर कह के संबोधित करें, मेरी तो इतनी सी मास्टरी नहीं है। आज मुझे एक ये लालच दिया गया, कल को पता नहीं कितने कितने लालच मेरे सामने आएंगे, तो मैं हर किसी के साथ बहती चली जाऊंगी क्या। तो इसीलिए मुझे मास्टर कह ही नहीं रहे वो, क्योंकि मैं मास्टर हूं नहीं अभी। तो मैं सर के पांव दबा रही थी और वो आपस में दूसरे मास्टर से बात करें, मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैंने सर को उसी टाइम हाथ जोड़ के बोला, सर ये जो लेसन आज आपने सिखाया है ना, ये मुझे कोई नहीं सिखा सकता था, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में बह जाते हैं हम। लेकिन अब मुझे ये याद रहेगा, मैंने अपना लेसन सीख लिया। तो हंसने लग गए, फिर उसके बाद मुझसे बात करनी शुरू की। तो इस तरह से मुझे सर ने बहुत तरह से ट्रेनिंग दिया। और मैं एक बात आपको बताऊं कि 2020 में मैंने पत्री सर के साथ पंजाब का ट्रिप किया। पंजाब ट्रिप में वही 3 महीने पहले जाके मैंने सारा जलंधर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, पूरा जैसे ट्रिप था, जाके क्लासेस लेना शुरू किया।
सब जगह क्लासेस अरेंज हो गए, जलंधर में नहीं अरेंज हो रहा। तो जलंधर मेन है, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किसी के रेफरेंस से क्लास अरेंज हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है ये तो कॉलेज में क्लास है तो स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा, तो एक आम पब्लिक के लिए भी क्लास होना चाहिए ताकि और लोग भी ध्यान सीख सकें। बहुत ट्राई किया और अपने पठानकोट के जो मास्टर थे उन्होंने कहा मेरा एक फ्रेंड है और उसके पास में जगह है, उसका आप हॉल देख लो, वो फ्री में मिल जाएगा, तो अगर आप क्लास अरेंज कर सकते हो वहाँ कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा वो शूटर्स अकेडमी चलाते हैं। अब वो शूटर्स अकेडमी सुनते ही ऐसा दिमाग में फिट हो गया कि शूटर्स अकेडमी में जाके सर का क्लास रखना है। हॉल देखा जाके जलंधर, और भी मास्टर्स को लेके गई, उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया हॉल है, शूटर्स अकेडमी है, यहाँ पे सर का क्लास रखेंगे, फ्री में अच्छा हॉल मिल रहा है और लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। जिस फ्लोर पे उन्होंने मुझे हॉल दिखाया उस फ्लोर पे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, सामने टीवी चल रहे हैं। दिमाग में दूर दूर से ये नहीं आया कि होटल मैनेजमेंट का ये फ्लोर है और यहाँ तो नॉनवेज बनता होगा, सिखाते होंगे क्योंकि होटल मैनेजमेंट में सिखाते हैं, कहीं दिमाग में आ ही नहीं रहा। बस वो शूटर्स अकेडमी बैठा हुआ है और मैं जाके दो क्लासेस भी लेके आ गई और क्लास अरेंज भी करके आ गई। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जब सर के साथ गई, क्लास हुआ, बहुत बढ़िया क्लास हुआ, और सर ने मुझे बोला नेक्स्ट कहाँ पर है क्लास, तो मैंने बोला सर लंच के बाद वहाँ पे शूटर्स अकेडमी है और उन्हीं का होटल मैनेजमेंट वो है, हॉल है, वहाँ पे हमें क्लास करना है। सर ने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा, कहा जस्सी मैडम होटल मैनेजमेंट में आपने रखा है तो वहाँ तो नॉनवेज बनता होगा। इतना मैं घबरा गई, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, तो कितनी बड़ी बात है। मैंने बोला सर पर शूटर्स अकेडमी भी है वहाँ पर। सर चुप कर गए। अब मेरे अंदर हलचल होनी शुरू हो गई कि मैं गलती कर चुकी हूँ। मैंने लंच किया और दौड़ के गई वहाँ पर, और मैं उसको ये कहने गई कि सर को लेकर नहीं आएंगे, हम क्लास नहीं करेंगे, यहाँ तो नॉनवेज बनता है। कह रही हाँ बनता तो है पर आज नहीं बनेगा। मैं फ़ोन कर रही हूँ रचना मैडम को जो मास्टर हैं कि सर को यहाँ लेकर मत आना, मैं कैंसिल कर रही हूँ ये क्लास, सर को यहाँ लेकर मत आना। जैसे ही मैंने रचना मैडम को फ़ोन किया, रचना मैडम कहती सर तो लिफ्ट में है, पहुँच गए हम यहाँ, अब क्या करें। अब मैंने सर को कहा लोग नहीं हैं इतने तो हम ये क्लास कैंसिल कर देते हैं, मैं तो कैंसिल करने में इंटरेस्टेड हूँ ना अब, क्योंकि मुझे अपनी गलती पता चल गई। तो वो मैनेजर कह रही है सर से अब आप आ ही गए हो तो हमें ध्यान सिखा के जाओ। तो सर तो ध्यान सिखाने के लिए कोई बोले तो मना नहीं करेंगे, सर ने बोला डेफिनेटली। तो वहाँ बैठ गए ध्यान सिखाने सर, उसी हॉल में जो मैं सिलेक्ट करके आई थी, 5-6 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। तो सर ने जैसे ही सर के सामने मैं ध्यान करने बैठी तो मुझे ऐसे लग रहा है सर जोर जोर से मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं ध्यान में, कि ये मेरे लाने की जगह थी जहाँ तो मुझे लेके आई हो। और मैं अंदर से बार बार कह रही हूँ सर प्लीज़ बंद करो फ्लूट, मत कराओ ध्यान, बस हम चलेंगे यहाँ से, सर मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ सर बंद करो। और सर ने 1.5 घंटा वहाँ सेशन लिया, बंद ही नहीं कर रहे, और मैं थप्पड़ पे थप्पड़ खाए जा रही हूँ, इतनी रेस्टलेस ध्यान कहाँ लगेगा। और जैसे क्लास ख़त्म हुई हम वहाँ से बाहर निकले और उसने बोला कि हमारा ये देखो, तो सर ने बोला कि यहाँ नॉनवेज बनाते हो, ये देखूँ मैं, तो मैं नहीं देखूँगा, नीचे आ गए। नीचे उतरते ही सर ने वो सेम वर्डिंग जो मैंने ध्यान में सुनी, क्या ये मेरे लाने की जगह थी जहाँ मुझे लेके आई हो। मैंने बोला सर बहुत बड़ी गलती हुई है। कह रही ये गलती नहीं है, ये बहुत गलत की है आपने, ऐसी जगह मुझे लेके आए हो जहाँ हमारा कोई मतलब ही नहीं था आने का, आइंदा ऐसी गलती ना हो। और मैं तो बहुत घबरा गई, पठानकोट गए, फिर लुधियाना गए, और सर ने फिर लुधियाना से चंडीगढ़ आके वापस जाना था। तो लुधियाना में सर ने कहा कि जस्सी मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, इतने बढ़िया क्लासेस हुए, ये सब हुआ, क्लैप्स करो जस्सी मैडम के लिए, इतना बढ़िया ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। मैंने कहा सर प्लीज़ क्लैप्स मत करो, जो गलती मैंने की है वो इतनी भारी है ना, ये बाकी सारी चीज़ें छुप गई हैं। तो सर ने तब भी मुझे क्या बोला कि जस्सी मैडम ये गलती नहीं है, नहीं तो मैं गिल्ट में ही रहती हमेशा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। सर ने बोला जस्सी मैडम ये गलती नहीं है, कई बार हम ऐसी जगह हमें जाना पड़ जाता है जहाँ पे किसी को कीचड़ से निकालना होता है। तो वो जो मैनेजर थी लेडी, वो 25 साल से ध्यान कर रही थी लेकिन गलत जगह पे खड़ी थी, उसको निकालने हम गए हैं। जहाँ तक हो सके ऐसी जगह अवॉइड करो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप ज़्यादा मत सोचो, बहुत अच्छा रहा पूरा ट्रिप। तो इस तरह
बड़ी बड़ी गलतियों से भी सर ने बहुत ही आसानी से बाहर निकाला और कभी भी ऐसे नीचे नहीं गिरने दिया कि हम गिल्ट में बैठ के रोते रहें। सर ने कहा हर अनुभव से सीख के आगे बढ़ते रहो। तो इस तरह से बहुत लर्निंग हर उसमें चलती रही। जी जसवीर मैम, आज हमने आपके साथ बहुत सारी सुंदर बातें जानी सर के बारे में, सर के साथ रहने के बारे में, किस तरह से हमारा आचरण हो, किस तरह से आहार हो, किस तरह से व्यवहार हो, कितना कुछ हमने जाना। तो जसवीर मैम, इतने सुंदर अनुभवों को सुनने के बाद इस सेशन को क्लोज करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय को देखते हुए हम आपसे आपका आखिरी संदेश लेना चाहेंगे। अगर आखिरी संदेश आप कहें तो एक चीज़ तो ये है, आज मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है कि अभी जैसे अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर इस साल सर ने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी नाउ PSSM इज इन सेफ हैंड्स ऑफ स्वर्णमाला पत्री जी। सबने सुना जी। लेकिन उस समय समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो तो जाने की तैयारी में थे तो उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है सर ने हमें पूरा ट्रेंड करके छोड़ दिया कि अब आप मैडम के साथ काम करो। और जैसे मैं सर के साथ काम कर रही थी, ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रही थी, जा रही थी, सीख रही थी, तो अभी पत्री सर के जाने के बाद वही बात पत्री मैडम ने मुझे बोली कि जैसे तुम सर के ट्रिप ऑर्गेनाइज करती थी, अब मेरे साथ काम करो, मेरे ट्रिप ऑर्गेनाइज करो। तो मुझे लगता है शायद सर ने उसी की मुझे ट्रेनिंग दी इतने साल, तो ताकि और अच्छे से मैं आगे बढ़ पाऊँ। एक तो ये बात हुई, और दूसरा जो मैं अगर देखूँ, मैंने सारे अनुभवों का सार जो मैंने देखा कि एक मास्टर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और इस तरह से डिसीजन स्पॉन्टेनियसली लेने चाहिए कि किसी को हर्ट भी ना हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमानी करके चले जाओ। और जब भी आपको ध्यान सिखाने का मौका मिले, कितना भी आपका टाइट शेड्यूल हो, अगर कोई ध्यान सीखने के लिए इच्छुक है तो पहले उसे समय दो। अपनी नींद का समय कम कर सकते हो आप, अपनी और चीज़ें कम कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ध्यान सीखने के लिए इच्छुक है तो पहले उसे समय दो। और समय के साथ बहना सीखो। एक रूल होता है, एक प्लान होता है, उसे हमें बनाना पड़ता है, लेकिन उस प्लान में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, और उस परिवर्तन के साथ बहना सीखो, तो उसी में हमारी मास्टरी होनी चाहिए। एक लकीर के फकीर नहीं बनना हम, और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, क्योंकि प्रिंसिपल्स सर ने सभी ग्रंथों का अध्ययन करके उसका निचोड़ दिया है हमें। आज सर ने हमारे लिए हाईवे बना दिया है, रोड मैप बना दिया है। अगर उस हाईवे पे चलेंगे 18 प्रिंसिपल्स के साथ में, तो अवश्य सर हमारी बाँह पकड़ेंगे। आज ये सोचकर इतना रोमांच होता है मन के अंदर कि पत्री सर सबसे पहले बोलते थे माय डियर फ्रेंड्स, जिसे गुरु फ्रेंड कह दे उसे कमी किस चीज़ की है। तो अपने आप को मैं हर समय ये याद कराती हूँ कि मुझे फ्रेंड बनाया किसने है। मैं तो इतना ऊंचा नहीं हूँ कि मैं कह सकूँ कि मैं आपकी फ्रेंड बन गई हूँ, लेकिन गुरु कह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तुम मेरे प्यारे मित्र हो, तो मित्रता हमें उस काबिल बनना है कि वो उच्च लोकों में भी ये कहें कि यस यू आर माय डियर फ्रेंड। जी जसवीर मैम, आपने हमारे साथ अपने इतने सुंदर अनुभव शेयर किए, हमारे साथ इन अनुभवों को साझा करके आपने कहीं ना कहीं हम सब के दिल के अंदर की तारों को छेड़ दिया। और सर की यादें ना सिर्फ आपने तरोताज़ा कराई, बल्कि आपने हमें दोबारा से उन सूत्रों के साथ एक बार दोबारा से जोड़ दिया जो हम सभी को अपनी लाइफ में उतारने हैं, हमारे 18 आदर्श सूत्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आपकी आध्यात्मिक जर्नी इसी तरह उन्नति करती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपने अनुभव सभी दर्शकों के साथ साझा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।